स्वागत है स्वागत है स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रजेश। आज हम करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिस सेट 54। सी, ये जो प्रैक्टिस सेट है दिस इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। मतलब मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताया था कि ये स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है इसमें विल बी स्टडिंग टू सब टॉपिक्स, एक तो एवरेज और दूसरा था हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ आपको बता दी, एक बोलते ना कि हिंट दे दिया था कि वी मतलब एवरेज क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है और वो कहाँ से आया और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। मैंने आपको एक आइडिया दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ सम्स, डेडिकेटेड सम्स करेंगे प्रैक्टिस सेट 54 में एवरेज पर। इसका अगला जो वीडियो होगा वो डेडिकेटेड होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अब तक के सारे वीडियो समझ में आए होंगे, सारे टॉपिक्स जो मैं लेता हूँ आप लोग को समझ में आ जाता होगा। तो इसी मोमेंटम को कंटिन्यूड रखते हुए विल बी मूविंग टू आवर प्रैक्टिस सेट 54। दिस इज द सेकेंड वीडियो फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। ओके, अगर आप लोग ने मेरा ये जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना। ये जो वीडियोज़ हैं सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे। और दूसरी चीज़, अगर आप लोगों ने डेडिकेटेडली, ये महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए मैंने ये टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है, ये ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। खाली आप लोग को जो लिंक मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करना है और जस्ट डायरेक्टली आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। हाँ, आप लोग को अगर मोबाइल से, अगर आप ये लिंक क्लिक, जैसे मोबाइल पे हो और फिर आप लिंक देख रहे हो, क्लिक कर रहे हो, तो फिर आप लोगों को पहले टेलीग्राम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि फ्री है। और फिर या तो फिर अगर आप लैपटॉप से या कंप्यूटर से लिंक को क्लिक कर रहे हैं देन यू नीड टू हैव टेलीग्राम वेब। ठीक है, सर्च करना गूगल पे टेलीग्राम वेब एंड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अकॉर्डिंगली आप डाउनलोड करके यू कैन जो आई कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन ऑफ दिस वीडियो एंड देन यू कैन गो थ्रू द ग्रुप एंड यू कैन एंटर इन द ग्रुप, मुझसे कनेक्टेड रहोगे। तो प्रैक्टिस सेट 54 की बात हो रही थी तो ये करेंगे हम लोग, शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 54 की। चलो शुरू करते हैं। एंड यस, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द डेली रेनफॉल फॉर ईच डे ऑफ वीक। अच्छा, एक बार कलर थोड़ा चेंज कर ले हैं, कर लेते हैं। द डेली रेनफॉल, हर रोज बारिश होती है तो गवर्नमेंट जो उस बारिश का एक बोलते हैं ना कि कितनी बारिश हुई है उसको मेजर करने के लिए, वो एक मेजर करने के लिए उन्होंने कहीं पे तो एक ऐसा लेवलर लगाया हुआ है, मतलब इतना एमएम, जैसे 4 mm का रेनफॉल हुआ है या 2 cm का रेनफॉल हुआ है, 3 cm ऐसा। वो ना उन लोग एक डेडिकेटेड उनका मेजरिंग स्केल है जो कि डेडिकेटेड जगह पे रहता है, वहाँ से उन लोग इसको मेजर करते हैं, देखते हैं कि रेनफॉल कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से इस साल कितना हुआ है। ठीक है, सो वही डेटा यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द वीक, 7 दिन होते हैं एक वीक में और हर दिन पे जो रेनफॉल है कितने एमएम हो रहे। जैसे सपोज मान लेते हैं कि संडे पहला डे है तो संडे को 9 9 mm का रेनफॉल, 9 mm का रेनफॉल दर्ज किया जाता है। फिर 11 mm का, 11 mm का रेनफॉल मंडे को मेजर किया गया था। वैसे ही 8 mm का रेनफॉल आपको, रेनफॉल ट्यूसडे मेजर किया गया। तो इस तरह से वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब खाली एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मंडे से अगर संडे से मेजर कर रहे हैं तो संडे का रेफरेंस ले लिया हमने स्टार्टिंग फर्स्ट डे का, बाद में भी शायद से मंडे से शुरू, मंडे मंडे से एक रेफरेंस स्टार्ट करते हैं लोग, मंडे को नया, मंडे को मेजरिंग हम लेंगे, वैसे जैसा भी है लेकिन 7 दिन का मेजर इन्होंने दे रखा है, चाहे वो मंडे टू संडे का हो या संडे टू सैटरडे का हो, जैसा भी हो। आप लोगों का, आप लोग क्या करें, एवरेज रेनफॉल निकल। अब देखो 7 डेज का तो कभी 9 है, कभी 16 है, कभी 20 है, कभी 12 है। आप लोग को तो एक मतलब अप्रोक्सीमेट निकालना पड़ेगा। जैसे 9 mm का रेनफॉल, सी आप लोगों ये अगर डेटा, सपोज आप किसको कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आप ऐसे तो नहीं बोलोगे कि अरे यार 9 mm का रेनफॉल भी होता है, फिर 20 mm का रेनफॉल भी होता है, तो कभी 18 mm का रेनफॉल होता है, ऐसा तो नहीं बोलोगे।
आप एक अप्रोक्सीमेट बोलोगे ना कि हाँ यार देखो 12 या 13 mm का रेनफॉल होता है अप्रोक्सीमेटली, ऐसा आप बताओगे। इसके लिए आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द वीक मैंने आपको क्या बताया था, सी वैसे एवरेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि एवरेज मतलब क्या बताया था मैंने आपको, एवरेज का मीनिंग बताया था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप इंट्रोडक्टरी वीडियो देखो मेरे बच्चों। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्वेशंस। नाउ हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द वीक। सो एवरेज एवरेज रेनफॉल एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द वीक ड्यूरिंग द वीक इज इक्वल टू व्हाट इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या लिखोगे आप, सम ऑफ द रेनफॉल्स सम ऑफ द रेनफॉल फॉर ईच डे सम ऑफ रेनफॉल रेनफॉल्स फॉर ईच डे, मतलब हर दिन का जो रेनफॉल है आपको ऐड करना है एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज ऑफ रेनफॉल। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू ना सम ऑफ रेनफॉल्स फॉर ईच डे विल बी व्हाट, तो हमको सारे डेटा को ऐड करना है, 9 + 11 + 8। सी ये जितने भी डेटा आपको दे रखी है इन्होंने वो सबको ऐड करना है, +20 + 10 + 16 + 12 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय व्हाट, दैट इज डिवाइडेड बाय हाउ मेनी डेटाज ईच डे फॉर अ वीक, तो मतलब दिस इज 7 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज की बात हो रही है। ओके नाउ विल ऐड एवरीथिंग, जैसे 9 + 11 = 20 + 8 = 28 + 20 = 38 + 48 = 58 + 58 = 68 एंड दिस इज गोइंग टू बी 74 84 and 86, तो दिस इज 86 डिवाइडेड बाय 7, ये हो जाएगा आपका 7 1 = 7 7 2 = 14 लेफ्ट विथ 2, तो 7 2 = 14 60 7 8 = 56 7 5 = 35 अप्रोक्सीमेटली दिस इज अप्रोक्सीमेटली 12.29 मिलीमीटर्स। सो अब आप अपने किसी फ्रेंड से बात करोगे कि देखो आपने पूछा था कि एवरेज रेनफॉल क्या है, तो आप सामने वाले ने पूछा था आपको, तो आप क्या बोलोगे, एवरेज रेनफॉल 12.29 mm का रहा है, ऑल दो कभी कभी 20 का रहा है कभी कभी 9 mm का रहा है, बट हमें एक अप्रोक्सीमेट डेटा बताना है कि इतना लगभग रेनफॉल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, ड्यूरिंग द एनुअल फंक्शन ऑफ अ स्कूल ड्यूरिंग द एनुअल फंक्शन ऑफ अ स्कूल अ वुमेन वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप हैड सेट अप अ स्नैक्स स्टॉल, देयर सेल्स एवरी आवर वेर वर्थ 960 rupees 830 rupees 945 rupees 800 847 and 970 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एवरी आवर मतलब आर बाय आर का इन्होंने सेल्स दे रखा है। What was the average of the hourly sales? मतलब इन्होंने एक फंक्शन में हाँ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने एक स्नैक्स का स्टॉल रखा, फर्स्ट आवर में इन लोगों ने 960 rupees कमाई, सेकेंड आवर में इनका कमाई था अर्निंग था 830 rupees, थर्ड आवर में इनका अर्निंग था 945 rupees, फोर्थ आवर में इनकी अर्निंग थी 800 rupees, फिफ्थ आवर में 847 and 970, 6th आवर में। What was the average of the hourly sales? ठीक है, कैसे निकालोगे, तो सिंपल सी बात है, आप तो सी आपको अगर समझना है, जैसे कोई इंसान आपके सामने ही उस फंक्शन में 6 घंटे के लिए अगर सपोज एक ही घंटे के लिए मतलब 6 घंटे के लिए अगर वो हाँ 6 आवर्स के लिए अगर वो स्टॉल लगाता है और आपको कहीं से अंदाज़ा है कि इनका 1 घंटे का सेल देखना है, तो आप तो ऐसा तो नहीं कि हर एक
आर का एनालिसिस करोगे, ठीक है आप डेटा निकालोगे हर एक आर का, बट आप एक एवरेज भी आओगे अप्रोक्सीमेट, क्योंकि आपको याद रखना है कि इनका सेल्स अप्रोक्सीमेटली कितना था। तो ऐसे के लिए हमें एवरेज की जरूरत पड़ती है। सो यहाँ पे एवरेज क्या लिखोगे आप, यहाँ पे एवरेज एवरेज आर्ली सेल्स इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज आर्ली सेल्स इक्वल टू व्हाट, सो सम ऑफ आवरली सेल्स, सम ऑफ आवरली सेल्स, आवरली जो भी सेल्स हुई है आवरली बेसिस पे, सारे आर का सेल्स हमें ऐड करना है, और नीचे नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सेल्स, आवर्स ऑफ सेल्स, सो नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सेल्स, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, विल हैव टू ऐड 960 विथ 830, फिर 945, देन 800, देन 847 एंड देन 970। इफ यू ऐड ऑल दिस एंड डिवाइड बाय 6, बिकॉज देर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आवर्स का सेल्स, सो लेट अस ऐड ऑल दिस। तो 960 डिवाइडेड बाय 830, तो हम ऐड करेंगे तो जाएगा 7, 5, 12, ये हो जाएगा 2, 1, 4, 5, 5, 4, 9, 9, 12, 12, 6, 18, दिस इज 8, सो 8 + 8 = 16, 17, 7, 26, 26 हो जाएगा 35, 26 और 8 हो जाएगा 34, 34 और 9 हो जाएगा 43, तो 4, या तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी दैट इज ऐड, प्रॉपरली ऐड करते हैं हम लोग, 0, 0, 5 है तो पर एक मिनट, 0, 5 ये 7, 4 कितना हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 12, ओके ओके ओके, एक चीज़ भूल गया था मैं, सो दिस इज गोइंग टू बी 12, ओके 7, 8, 8, 4, 12, 12 और 4, 16, 16 और 3, 19, 19 और 6, 25, दिस इज गोइंग टू बी 5, 2, तो 2 कैरी, 2, 9, 11, 11, 8, 19, 19, 27, 36, 44, 44, 53, तो 5, 3, 5, 2 डिवाइडेड बाय 6, एंड अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 6, 6 = 36, 6, 7, 6, 8 = 48, 6, 8 = 48, ये हो जाएगा 48, तो ये 55, 6, 9 = 54 और 12, 6, 2 = 12, दिस इज 892। सो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, आर्ली सेल्स, आर्ली एवरेज है ना, एवरेज, व्हाट वाज द एवरेज, तो एवरेज एवरेज आवरली आवरली सेल्स इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 892 रुपीज, सो 892 रुपीज इज द आवरली सेल्स। समझ में आया, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो कैसे एवरेज निकाला जाता है वो ध्यान में रखना है आप लोग को, कोशिश करेंगे तीसरा सम करने का, कुछ नहीं करना है, सारे डेटा को ऐड करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, द एनुअल रेनफॉल इन विदर्भ इन 5 ईयर्स इज गिवन बिलो। तो विदर्भ में आपको पता ही है रेनफॉल थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल है और हैवी होती है। नाउ व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल फॉर दोज 5 ईयर्स, तो 5 साल का एवरेज रेनफॉल इन्होंने दे रखा। तो एक सपोज बात हो रही, सपोज 2020 के, तो 2020 में या 2015 में 900 mm का रेनफॉल हुआ है, 2016 में 650 mm का रेनफॉल हुआ, थोड़ा कम हुआ, 2017 में 450 mm का रेनफॉल हुआ और कम हुआ, 2018 में 733 mm का रेनफॉल हुआ है, ऐसे ही हमें टोटल 5 साल का रेनफॉल दे रखा है। एवरेज रेनफॉल निकालने का एक ही तरीका है हमारे पास, सारे ईयर्स का रेनफॉल्स हमें ऐड करने हैं, तो एवरेज इज इक्वल टू द एवरेज एवरेज ऑफ रेनफॉल फॉर 5 ईयर्स इज इक्वल टू सम ऑफ रेनफॉल्स एवरी ईयर, सम ऑफ ऑल रेनफॉल्स एवरी ईयर
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, सो दिस इज इक्वल टू, नाउ सारे रेनफॉल्स मतलब 900, फिर 650, फिर 450, फिर 733। अच्छा इसके पहले यूनिट तो लिख रहा हूँ ना मैं, 892 रुपीज़, ओके ठीक है, 733 एंड 400। सो इन सभी को अपने को ऐड करना है, देन डिवाइडेड बाय 5। तो लेट अस ऐड, सो 0 3 this is 3 0 3 8 8 5 13 13, ये हो जाएगा 1 4 5 12 16 16 और 22 22 32 31 3 1 3 3 upon 5। आ रहा है सभी को समझ में, 3 1 3 3 upon 5। नाउ 5 6 are 30 1 this is 5 2 are 10 30 5 6 are 30.6, so this is 626.6, so this is equal to 626.6 mm, approximately 627 बोल सकते हो। सो व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल फॉर 5 years, सो एवरेज रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल फॉर 5 years इज इक्वल टू 626.5 mm। मतलब अब डेटा को एक प्रॉपर तरीके से शेयर करोगे, कम्युनिकेट करोगे, और वो है कि मेरा एवरेज विदर्भ में एवरेज रेनफॉल है 626.5 mm, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, एवरेज 626.5 मेंटेन्ड। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, इजी है, समझ में आ रहा है, गुड। अच्छा जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखना ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है, ओके। अच्छा लाइक करना नहीं बोलना आपको, वीडियोस को लाइक करो, सारे वीडियोस को लाइक करा करो, और मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताया करो यार आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, ठीक है बच्चों, आपको क्या समझ में आया, कितना बेनिफिट होता है बताया करो, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अ फार्मर बॉट सम स्नैक्स ऑफ एनिमल फीड्स, है चिल्ड्रन बोल रहा हूँ, ओ माई गॉड, अ फार्मर बॉट सम स्नैक्स ऑफ एनिमल फीड, ठीक है, सो जानवरों का जो फूड होता है वो उसने लेके वो लेके आए हैं, तो वेट ऑफ द स्नैक्स आर गिवन बिलो इन किलोग्राम्स, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द स्नैक्स। तो स्नैक्स जो है अबाउट सम, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, देर आर 8 स्नैक्स। अच्छा जो पहला स्नैक्स है, जो पहला उसके पास नाश्ता है वो 49.8 किलोग्राम का है, दूसरा 49.7 किलोग्राम का है, 49.5 किलोग्राम का है, ऐसे ही 49 पॉइंट है मोस्टली, कभी 50 कभी 48 पॉइंट भी हो रहा है। तो ऑन एन एवरेज कितना किलोग्राम का स्नैक्स लाया है बंदे ने, कितने किलोग्राम का एवरेज वेट है वो निकालना है। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे लेंगे एवरेज, एवरेज वेट, एवरेज वेट ऑफ सैक्स, सम स्नैक्स बोल रहा हूँ, सॉरी सैक्स है ना वो, सैक्स क्या होता है, वेट ऑफ सैक्स, सैक्स क्या होता है, शिट यार मुझे तो मालूम नहीं सैक्स क्या होता है, चलो चलो चलो, व्हाट आर सैक्स, सैक्स, सो एक तरह से, अरे हाँ ऐसा है, ओके ओके, एक तरह से बैग होता है, बैग, इट इज एक तरह से बैग, ठीक है ना, इट इज अ बैग। तो चलो ठीक है, एवरेज वेट ऑफ सैक जो बैग है, ठीक है, जिसमें जानवरों का खाना है, तो वैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 बैग्स हैं जिसमें खाना आया है, तो एवरेज वेट निकालना है ईच सैक्स, ईच सैक का, दिस इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ फीड्स फ्रॉम ईच सैक, हर एक सैक में से, हर एक सैक का फीड जो अमाउंट है उसको ऐड करना, उसको यहाँ पे लाना और ऐड करना है, डिवाइडेड बाय कितने ऐसे हमारे पास बैग्स हैं, सैक कितने, सैक्स कितने, 1 2 3 4 5 7 8, तो हम लिखें नंबर ऑफ सैक्स, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 49.8 प्लस 49.7 प्लस
49.5 + 49.3 + 50 + ठीक है, रुको यहाँ पे नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ना राइट अभी यहाँ पे मेरा वीडियो का स्क्रीन आ जाता है ना, जिसके वजह से फिर दिक्कत हो जाती है बच्चों को समझ, मतलब दिखता नहीं है, प्रॉब्लम हो जाता है। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, 49.8 + 49.7 + 49.5 + 49.3 + 50 + 48.9 + 49.2 + 48.8, सो डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 8, सो दिस इज इक्वल टू, नाउ ऐड करना है 8, 9, 10, 19, 22, 27, 27 और ये 34, 34 और 42, दिस इज 2 और 4, तो 12, 21 और ये हो जाएगा 29, 29, एक मिनट है, बराबर आ रहा है क्या? ओके, इसको प्रॉपरली ऐड करना पड़ेगा, प्रॉपरली ऐड करना पड़ेगा, दिस इज नॉट दी वे टू ऐड, या चलो ऐड करते हैं, प्रॉपरली ऐड करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 49.8, प्रॉपर एडिशन करते हैं 49.7। अच्छा, कई लोगों का एडिशन का कॉन्सेप्ट भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इसमें अच्छा हो जाएगा। 49.3, यहाँ पे 50.0 आएगा, 50.0, 50 है तो 50.0 लिखोगे, 48.9, 49.2, दिस इज 48.8, तो लेट अस ऐड 9, 10, 11, 11 और 19, 19 और 3 विल बी 22, 22 और 27, 27 और 34 और 42, ये हो जाएगा 42, 8, 8, 16, 16 जैसे 25, 25, 34, 34, 43, 43, 52, 52, 60 to 61 or 65, करेक्ट 65 आ गया, पॉइंट यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 6, 4, 10, 14, 18, 22, 27, 31, 35 और 39, तो 39, ओके, तो दिस इज 395.2, 395.2, तो 395.2/8, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। अब देखो इसको ऐसे लिखोगे 3952.8, व्हाई, बिकॉज जब आपको डेसिमल हटाना है, जैसे आपको पॉइंट डेसिमल 2 के पहले है तो 2 के आगे भेजना है, 3952 करना है बजाय 395.2, तो ऐसे केस में आपको मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर नीचे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो दैट योर डेसिमल इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, एक डिजिट आगे जाना, आगे करना है आपको डेसिमल को, तो मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा, तो अभी क्या करना है आपको, दिस इज 8, 10 से 80, तो 8 कितना हो जाएगा, 8, 5 से 40, अच्छा 8, 4 जा 32, 32, 75, 75, 8, 9 जा 72, 8, 4, ओके, दिस इज 49.4 upon 10, this is 49.4 kilograms, 49.4 kilograms, so यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, द एवरेज आंसर क्या हो जाएगा आपका, द एवरेज वेट ऑफ द सैक्स इज इक्वल टू 49.4 kgs, 49.4 kgs, हो गया इजी, सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ेंगे, हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म हो गया, बट एक सॉल्व एग्जाम्पल है, इसको करेंगे जरूर हम, तो सॉल्व एग्जाम्पल आपके सामने है, ये देखो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ऋतुजा प्रैक्टिस्ड स्किपिंग विथ अ रोप ऑल 7 days ऑफ अ वीक, ठीक है, तो शी इज टू प्रैक्टिस, द नंबर ऑफ टाइम्स शी जंप्ड द रोप इन 1 minute एवरी डे, एक दिन में कितना मिनट का जंप हो लेती है वो उन्होंने दे रखा है, तो हो जाएगा 60, 62, 61, तो देखो ना ध्यान से देखो, बहुत बहुत केयरफुली देखो यार, तो 60, 62, 61, तो देखो पहले दिन उसने 60 जंप्स किए, सेकेंड डे 62 जंप्स, फिर 61 जंप्स, फिर 60 जंप्स, फिर 59, देन 63 एंड देन 58, तो हम क्या करेंगे, सारे दिन जो एवरीडे बेसिस पे उसने जंप किया है सारे डेटा को हम ऐड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, विल ऐड किसको, 60 + 62 + 61 + 60 + 59
+63 +58। नाउ क्यों? क्योंकि सारे डेटा को ऐड करना रहता है, डिवाइडेड बाय कितने डेटा, 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 डेटास। सो लेट अस ऐड ऑल द डेटास। दिस इज 60, दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, कलर चेंज कर देते हैं, दिखेगा आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते हैं 60, ऐसे भी ऐड हो जाएगा यार। 8 3, और दिस इज 11, दिस इज 20 21। ऐड प्रॉपर ऐड करते हैं, नहीं तो मिस्टेक हो जाता है। 62 61 60 59 63 58। तो 8 9 10 11 20 21 23, 6 is 12 13 14 14 20 26 31 37 or 42। तो 423, दिस इज 423/7। एंड इफ यू डिवाइड 423 को 7 से, 423 को अगर आप 7 से डिवाइड, तो 7 6 42। ओके, तो 3 आपका डिवाइड तो नहीं होगा, 3 तो नहीं होगा एस एन डिवाइड, तो दिस इज गोइंग टू बी 60 0। तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। ओके, तो दिस इज 7 7 6 7 4 28, दिस इज 2। ओके, और दिस इज 20 आ जाएगा यहाँ पे, सो 7 2 14, और दिस इज 6 7 8, सो अप्रॉक्सीमेटली इट इज 60.43। समझ में आया आप लोग को? ईजी टू अंडरस्टैंड, 60.43। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? सो 60.43 अप्रॉक्सीमेट है। सो 60.43 क्या जंप्स पर मिनट एवरीडे, वही ना, नंबर ऑफ टाइम्स ही जंप दी रोप इन 1 मिनट एवरीडे, वही है। ओके, तो अभी क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट 60.43। तो इस बच्चे की एफिशिएंसी हमें पता चली, अप्रॉक्सीमेटली इसके आसपास रहेगी, थोड़ा कम कभी ज्यादा, इसी के आसपास। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। बाकी का जो हम लोग ने जो प्रैक्टिस सेट 54 आज किया, तो मैं भी मतलब आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो हमने एवरेज निकालने की कोशिश की है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो एक बार देख लेना वापस से वीडियो, और फिर समझने की कोशिश कर लेना। ठीक है, तो मैंने ट्राई किया जितना अच्छे से हो सके समझाने का। सो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब से ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को कुछ यहाँ पे इस वीडियो में अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, और साथ ही साथ आप शेयर करा करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ प्रैक्टिस सेट 55। थैंक यू वेरी मच। बाय गाइस, बाय बाय बच्चों।